हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने बायो मॉलिक्यूल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल्स जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट में, उसमें हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में देखा था ना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सेकेंड टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज नोन एज डाइसैकेराइड। थोड़ा सा हम लोग प्रीकैप देखते, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, मोनो मोनो में सिंगल, जो सिंगल शुगर वाले थे। सेकेंड इज डाइसैकेराइड्स एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। सो मोनोसैकेराइड्स के बारे में डिटेल में, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके कौन से टाइप्स हैं, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज डाइसैकेराइड। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज ये शुगर केन का जो केन शुगर होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट मिल्क में आपको लैक्टोज मिलता है एंड माल्ट शुगर में आपको मिलता है माल्टोज। सो क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो नाम है डाइसैकेराइड्स। मैंने आपको पहले बता दिया है सैकेराइड्स, पिछले वीडियो में बताया था कि सैकेराइड्स मीन्स क्या होता है, शुगर, एंड डाई मतलब टू, मीन्स जब ऐसा शुगर जो दो मोनोमर ए और बी इन दोनों को मिलाकर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग डाई मतलब दो सैकेराइड्स। कि दो शुगर से, दो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स करके जो बना है मॉलिक्यूल बना है उसको बोलते हैं हम लोग डाइसैकेराइड। मीन्स अगर मैं डाइसैकेराइड को ब्रेक करूंगा तो मुझे दो मोनोमर्स मिलेंगे। चलिए देखते क्या है। सो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द शुगर्स जो नेचर में मिलते हैं वो मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स बहुत ही कम पाए जाते हैं एज कंपेयर टू डाइसैकेराइड। अब ये डाइसैकेराइड बनता कैसे है, तो जब कभी भी दो मोनोसेक्राइड्स, मान लो एक मोनोसेक्राइड ए मिलेगा, कंबाइंड होगा बी के साथ में, तो दो मोनोसेक्राइड ए और बी जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो होता है कंडेंसेशन रिएक्शन, और उसमें से H2O पानी क्या होता है, बाहर निकलता है और फॉर्म होता है ए बी डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड्स आर फॉर्म व्हेन टू मोनोसेक्राइड्स रिएक्ट बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें से वाटर दो के रिएक्शन पे वाटर रिमूव होता है, उसको बोलते हैं लोग कंडेंसेशन रिएक्शन, बाय रिलीजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब इनको इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी की भी नीड होती है। तो डाइसैकेराइड जब बनता है उस समय एनर्जी की नीड होती है। अब ए और बी दो मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से बाउंड हो रहे हैं तो उनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो बॉन्ड फॉर्म होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप नाम याद रखिए कि दो शुगर के बीच में, सैकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि जो सुक्रोज है ये किससे बना होता है, ये बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो देखो ये दो मोनोमर्स हैं, ये दोनों कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं सुक्रोज। इसी तरह से हम लोग ने गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज जब मिलते हैं तो बनता है लैक्टोज। तो हमने पिछले वीडियो में कैसे बनता है हमने देखा था, इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए कैसे सुक्रोज कैसे फॉर्म होता है। ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे पहचानोगे, पहला है सिक्स कार्बन है, तो देखो सिक्स कार्बन है क्या, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सिक्स कार्बन है। ओके, अल्डिहाइड ग्रुप है तो इट्स सिक्स कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप, मतलब क्या होता है ग्लूकोज। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज कैसे पहचानोगे, फ्रुक्टोज के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये पेंटामेरिक होता है, पेंटोज ग्रुप का है, मतलब पांच शुगर है, इसके पांच कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसके पास भी पांच कार्बन है। और एक इसकी पहचान क्या थी कि इसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोन ग्रुप पाया जाता है, इसलिए क्या है फ्रुक्टोज है। तो जब कभी भी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलते हैं
उनका जो फर्स्ट पोजीशन का, ग्लूकोज का फर्स्ट पोजीशन एंड फ्रुक्टोज का फोर्थ पोजीशन, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड इसी से फॉर्म होता है सुक्रोज। तो इस तरह से सुक्रोज फॉर्म होता है, एक डाइसेक्राइड फॉर्म होता है कि जब कभी भी दो मोनोसेक्राइड कंबाइन होते हैं उनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, एंड देन फॉर्म होता है डाइसेक्राइड, जैसे हमने सुक्रोज के बारे में और देखेंगे क्या है। तो ये जो डाइसेक्राइड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। बट इनका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सिंगल था, डाइसेक्राइड क्या हो गया? साइज बढ़ गया, डबल हो गया तो साइज बढ़ गया। सो ये मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता, जो डाइसेक्राइड है वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। लेकिन तो कैसे ये बॉर्ड सेल के अंदर जाते हैं? तो ये क्या करते हैं, अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं। जो डाइसेक्राइड है वो अपने आप को ब्रेक करते हैं मोनोसेक्राइड में, एंड ये मोनोसेक्राइड इंटर करता है इनसाइड द सेल। सो दे आर ब्रोकन डाउन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ब्रेक कर देते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन, एंड देन दे इंटर करते हैं इनटू सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ब्लड एंड थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करते हैं। देखो यहां पे, अब ये जो ब्रेक डाउन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या हो गया? जब ये ब्रेक होगा तो इसमें क्या होगा, वाटर जब मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो देखो माल्टोज था, माल्टोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, ये मिल गया H2O, H2O मतलब HOH। अब ये वाला H जाएगा यहां पे और ये वाला OH जाएगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पे H यहां पे आया और OH यहां पर आया और दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में क्या हो गया? ब्रेक डाउन। तो इस तरह से जो डाइसेक्राइड्स है उनका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब वाटर के प्रेजेंस में वो ब्रेक टूट जाते हैं और दो मोनोसेक्राइड्स फॉर्म करते हैं। हाइड्रोलिसिस मींस क्या हो जाएगा? लिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। डाइसेक्राइड्स के बारे में कुछ और हम लोग देखिए तो क्या है कि मोनोसेक्राइड्स आर यूज्ड वेरी क्विकली बाय सेल, इफ सेल इज नॉट नीड ऑल ऑफ एनर्जी रिलीज इमीडिएटली देन इट मे गेट स्टोर। अब देखो क्या होता है कि जो मोनोसेक्राइड्स है वो साइज से बहुत छोटे हैं, वो सेल के अंदर बाहर आराम से इजली जा सकते हैं, तो क्या होता है वो बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, सेल से आते हैं और सेल में उसी तरह से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, बहुत जल्दी यूज अप हो जाते हैं। लेकिन जब समझो सेल को जरूरत नहीं, बॉडी रेस्ट पे है, उसको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, एट दैट टाइम यही मोनोसेक्राइड जो सिंगल सिंगल थे ये कंबाइन होकर क्या करते हैं, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स फॉर्म करते और बॉडी में स्टोर करते। मोनोसेक्राइड्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइसेक्राइड इन बाय द कंडेंसेशन रिएक्शंस व्हिच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड एज मैक्रोमोलिक्यूल। तो यही मोनोसेक्राइड बाद में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स फॉर्म करते और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सेल से रिमूव नहीं हो। तो ये था डाइसेक्राइड्स के बारे में, हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से डाइसेक्राइड की प्रॉपर्टीज क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग पॉलीसेक्राइड्स के बारे में कि पॉलीसेक्राइड्स क्या है, उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ये फॉर्म होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।